हे गाइस, दिस इज अंकित। हेलो एंड वेलकम। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के बारे में। तो आज की इस वीडियो का बेसिकली एजेंडा क्या है? आज की इस वीडियो का एजेंडा बड़ा सिंपल है गाइस। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर एग्जैक्टली होता क्या है। उससे रिलेटेड कुछ लोगों के मिसकंसेप्शन है जो आज की इस वीडियो में मैं क्लियर कर रहा हूँगा। उसके बाद डिस्कस करूंगा व्हाट आर द बेनिफिट्स रिलेटेड टू द सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे कंसर्न ऑफ सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, मतलब उससे रिलेटेड जो भी डिसएडवांटेजेस हैं वो देख रहे होंगे इस वीडियो में। ओके, तो सबसे पहले गाइस हम लोग बात करते हैं कि सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर एग्जैक्टली होता क्या है। गाइस, इस सीरीज को शुरू करने से पहले मैंने पहले ही प्री रिक्विजिट्स बता दिए थे कि इस सीरीज को फॉलो करने के लिए क्या क्या आपको पता होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वेब सर्विसेज मतलब रेस्ट एपीआई के बारे में जानकारी होगी, राइट? ओके, अब क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट है या फिर कह लो मिसकंसेप्शन है लोगों का, वो क्लियर करने वाला हूँ। दरअसल गाइस, अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो एक डायग्राम है, इस डायग्राम को देख करके आप क्या बोलोगे, ये किस तरह का डायग्राम है, मतलब क्या ये सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर का डायग्राम है या नहीं है? अगर आप थोड़ा बहुत अवेयर होंगे तो कुछ लोग बोलेंगे यस, जो जानते होंगे जिन्होंने वेब एपीआई बना रखी होगी, सर्विसेज क्रिएट कर रखी होगी, तो उनको पता होगा। ओके, चलिए, यहाँ पे दरअसल बात यह है कि मेरे एक फ्रेंड है, ठीक है, उन्होंने ये डायग्राम मुझे दिया और दिखाया कि भाई अंकित, ये एक सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर का डायग्राम है, राइट? तो मैं उनकी बात को बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ सबसे पहले, और मैं उनको यहाँ पे बीट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ पे मैं अपने कुछ पॉइंट रखने वाला हूँ जिसकी मदद से मैं ये प्रूफ करने वाला हूँ बेसिकली ये सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर का डायग्राम नहीं है। उन्होंने कहीं से भी देखा हो, इंटरनेट से देखा हो, किसी बुक से पढ़ा हो, बट यहाँ पे मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ दिस इज नॉट अ सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर डायग्राम, राइट? तो चलिए कैसे बोलता हूँ, ये समझाता हूँ मैं, बहुत ही सिंपल है गाइस। देखो यार, आपने वेब एपीआई बनाई होगी या फिर एपीआई बनाई होगी एक सिंपल वे में, इनको बनाते क्यों हैं? सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है। एब्सोल्युटली इसलिए बनाते हैं ताकि हम इनको मल्टीपल जगह पे कंज्यूम कर सकें, लेट्स सी क्लाउड कंप्यूटिंग में या फिर आईओटी बेस्ड एप्लीकेशन में या फिर मोबाइल एप्लीकेशन में। इमेजिन दैट कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ये एप्लीकेशन का नेम है लेट्स से माई ऐप, राइट? अभी गाइस ध्यान से देखो, माई ऐप अगर ये एप्लीकेशन है तो क्या हुआ, उसके अंदर प्रेजेंटेशन लेयर है। प्रेजेंटेशन लेयर मतलब क्या है, फ्रंट एंड से रिलेटेड जो भी चीजें वो प्रिपेयर की गई, ठीक है? उसी के अंदर क्या किया गया, ये ऑर्डर प्लेस एपीआई बनाई गई, मतलब बुकिंग से रिलेटेड एपीआई क्रिएट की गई है, ठीक है? और प्रोडक्ट एपीआई बनाई गई है, उसके बाद कस्टमर एपीआई बनाई गई है। इन तीनों एपीआई को इस एप्लीकेशन मतलब माई ऐप के अंदर बनाया गया हुआ है और उसके लिए एक डेटाबेस यूज किया गया, राइट? बन गई, तैयार हो गई। इसको क्या किया गया कि बनने के बाद क्या होता है कि ये एक वेब एप्लीकेशन है अभी, ठीक है, इमेजिन करके चल रहा है। अब क्या होता है कि इन जनरल जो ज्यादातर मार्केट में यूजर्स हैं, जो कंज्यूमर हैं, वो क्या है, मोबाइल डिवाइस यूज कर रहे होते हैं। तो क्या होता है कि हर वेब एप्लीकेशन का मैक्सिमम टाइम पे एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया जा रहा होता है, राइट? तो क्या हुआ, एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई गई, ठीक है, करेक्ट, मोबाइल ऐप बनाई गई। अब मोबाइल ऐप में भी इसी एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी यूज करनी है कि मतलब मुझे ऑर्डर प्लेस करना है, प्रोडक्ट क्रिएट करना है, कस्टमर्स यू नो एंड ऑल दैट। अगर यू नो एडमिन भी यहाँ पे यूज कर रहा होगा प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ भी, या फिर प्रोडक्ट देखेगा, ठीक है, प्रोडक्ट शो होगा, प्रोडक्ट क्रिएट होगा, वो तो चलो डिफरेंट पार्ट हो गया कि प्रोडक्ट डिलीट करेगा एडमिन वो सब ऐड करेगा वो अलग बात है, लेकिन प्रोडक्ट शो तो होगा। तो अल्टीमेटली क्या यहाँ पे फिर से वो ऑर्डर प्लेस करने का कुछ यहाँ पे लॉजिक लिखेगा वो जो यू नो मोबाइल एप्लीकेशन का जो डेवलपर है? एब्सोल्युटली नॉट, राइट? तो वो क्या कर रहा होगा, इन्हीं एपीआईस को यहां से कॉल कर रहा होगा, करेक्ट? और यही करते हैं जो कि प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ, राइट? और ये किया होगा आप लोगों ने, ठीक है, आप कनेक्ट हो पा रहे हो। तो मतलब इनको हम कंज्यूम करते हैं मोबाइल एप्लीकेशन में, तो क्या होगा, वो हमें क्या किया, अल्टीमेटली हमने वो फंक्शनैलिटी को रीयूज किया है मोबाइल एप्लीकेशन में। तो हमने सेपरेट कोई कोडिंग नहीं की, कुछ एडिशनल वर्क नहीं किया, एडिशनल एफर्ट नहीं मारा, जो मुझे यूआई तैयार करनी थी सिंपली हमने वो एपीआई कॉल करके कंज्यूम करके अपनी मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप कर दिया, दैट्स इट, सिंपल। ओके, नाउ इतनी बात समझ में आ गई। ओके, अब गाइस जब ये एप्लीकेशन मतलब ये जो माई ऐप थी, ठीक है, ये जो माई ऐप थी, अब इसको जो है लाइव करना है, राइट? तो लाइव करोगे तो इसको क्या करोगे, डिप्लॉय करोगे ना सर्वर पे। तो लेट्स से इसकी एक जार फाइल बनेगी, लेट्स से माई ऐप समथिंग लाइक दैट, जार फाइल मतलब आर्काइव फाइल बना दी आपने। तो ये क्या, डिप्लॉय करने के बाद एक सिंगल फाइल तो बनेगी कि यहाँ पे
इसके लिए अलग फाइल बननी होगी या फिर इसके लिए एक अलग फाइल बननी होगी, इसके लिए अलग फाइल बननी होगी, नहीं बननी होगी क्योंकि ये अभी कहाँ पे मैक्सिमम टाइम में जो आपने वेब एप्लीकेशन बनाई होगी इसी तरह से एपीआई बना रहे होते हैं लोग एक वेब एप्लीकेशन के अंदर, जिसके अंदर मल्टीपल सर्विसेज क्रिएट कर रहे होते हैं, जो कि वो एक एप्लीकेशन मतलब एक वेब एप्लीकेशन का पार्ट होता है, राइट। और जब एक एप्लीकेशन का पार्ट है ये सारी एपीआई, तो अल्टीमेटली वो एक ही एप्लीकेशन के अंदर है। जब उसको आप डिप्लॉय करोगे, कंपाइल करोगे, तो अल्टीमेटली एक सिंगल प्रोसेस फाइल जनरेट होगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इसे ही तो आप सर्वर पे डिप्लॉय मारोगे, मतलब कि वॉट जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था माई ऐप डॉट जार, इस सिंगल फाइल को आप सर्वर पे डिप्लॉय मार रहे होगे। तो इसे हम बोलेंगे मोनोलिथिक ऐप विथ सर्विस, राइट, ना कि हम इसे बोलेंगे सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर डायग्राम। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट वाई आई वॉज सेइंग दैट कि ये एक मोनोलिथिक ऐप विथ सर्विस का आर्किटेक्चर बोल सकते हैं, लेकिन सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर नहीं बोल सकते। तो इस पॉइंट के हिसाब से मैं बता रहा था। तो ये डायग्राम मैंने प्रैक्टिकली, मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो आपकी अल्टीमेटली मोनोलिथिक एप्लीकेशन हो जाती, वो बात अलग है कि ऑर्डर प्लेस एपीआई प्रोडक्ट, इसको एक जनरलाइज कोडिंग कर दिया जाता है, एक वेल मैनर्ड में कह लो, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल अचीव हो रहा होता है, बट इसे हम सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर डायग्राम नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, जब तक नहीं बोल सकते, क्योंकि यार यहाँ पे अल्टीमेटली एक मोनोलिथिक, यार ये मोनोलिथिक है, सिंगल प्रोसेस फाइल क्रिएट हुई है, राइट। और मोनोलिथिक यही कहता है कि एक सिंगल फाइल के अंदर अगर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो अल्टीमेटली उसे हम मोनोलिथिक बोल देंगे, राइट। तो ये एक मोनोलिथिक ऐप विद सर्विस वाला आर्किटेक्चर है। ओके ना, अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि भाई ठीक है अंकित, आपने बोल दिया, एक्सप्लेन कर दिया, और अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी बात से अग्री करो, मैंने यहाँ पे प्रूव किया है, राइट। अब मेरा क्वेश्चन, आई मीन आपका क्वेश्चन ये होगा कि अंकित सिर्फ सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर का डायग्राम क्या होता है, चलिए उसके बात करते हैं। लेट्स से यहाँ पे डीबी है, डेटाबेस है, और यहाँ पे फीचर्स, फीचर्स यहाँ पे एक मान के चलिए फीचर्स एक स्मॉल एप्लीकेशन है, और यहाँ पे कुछ और भी स्मॉल एप्लीकेशन है, एक दो तीन चार, चार फीचर्स हैं, मतलब चार स्मॉल स्मॉल एप्लीकेशन है जिनको यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, एक सर्विस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, मैं यहाँ पे क्या बोलूँ, एक सर्विस, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि एक स्मॉलेस्ट एप्लीकेशन बनाएंगे जिसके अंदर हम प्रोडक्ट वाली सर्विस बनाएंगे, इसके अंदर यू नो लेट्स से कि हम कस्टमर की एपीआई बना रहे होंगे, यहाँ पे लेट्स से कि प्लेस ऑर्डर की एपीआई बना रहे होते हैं, एंड ऑल दैट। तो मतलब डिफरेंट स्मॉल स्मॉल एप्लीकेशन, सेपरेट एप्लीकेशन बना रहे होंगे, एक ही एप्लीकेशन के सारे अंदर सर्विसेज नहीं बना रहे होंगे, मतलब कि हम सेपरेट एप्लीकेशन के अंदर एपीआई बना रहे होंगे, और ये पॉसिबल है। अब गाइस यहाँ पे इतना, जैसे मैंने बोला, कुछ लोगों के मन में एक पॉइंट आया होगा कि यार ये तो तुम माइक्रो सर्विसेज और आर्किटेक्चर की बात कर रहे हो, भाई थोड़ा जल्दी मुझे जज मत करना, ठीक है, कंप्लीट होने दो ये वीडियो, आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी, और उसमें टाइनी सा डिफरेंस है माइक्रो सर्विसेज में, ठीक है, जो कि आगे की वीडियोज़ में मैं कवर करूंगा इस सीरीज में। तो डोंट वरी, इतनी जल्दी नहीं मुझे जज करने की ज़रूरत आपको, ठीक है, पहले मेरे पॉइंट को समझो। तो करना क्या है गाइस, हम क्या करेंगे, एक स्मॉलेस्ट एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, और एक एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है इस सिनेरियो में, क्योंकि ये सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर का डायग्राम कुछ ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, मैं प्रैक्टिकल मैनर में बता रहा हूँ। अल्टीमेटली क्या होगा, दे आर कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर, ठीक है, एक सर्विस दूसरे से, दूसरे सर्विस तीसरे से, क्योंकि इंटरकनेक्टेड होंगी और समटाइम इंटरडिपेंडेंट होंगी, राइट। तो इसलिए एक दूसरे से कम्युनिकेट होंगे, और जहाँ पे ऑर्केस्टर का रोल आता है, जो कि आपने अगर सुन रखा होगा, वो इन चीज़ों को मैनेज कर रहा होगा। तो ये जो एप्लीकेशन है, स्मॉलेस्ट फीचर्स हैं, जो इंडिपेंडेंट सर्विसेज हैं, ये इंडिपेंडेंट सर्विसेज एक ही सिस्टम पे भी डिप्लॉय की जा सकती हैं, पहली चीज, एक ही सर्वर मशीन पे डिप्लॉय की जा सकती हैं, बट इनके लिए डिफरेंट डिफरेंट आर्काइव फाइल और सिंगल फाइल जनरेट हो रही होगी। लेट्स इमेजिन दैट कि भाई इसके लिए ए डॉट चार जनरेट हो रही होगी, इसके लिए लेट्स से बी डॉट चार जनरेट हो रही होगी, इसके लिए सी डॉट चार जनरेट हो रही होगी, इसके लिए डी डॉट चार जनरेट हो रही होगी, लाइक ओके मेरी टंग स्लिप हो गई। तो अल्टीमेटली क्या होगा, मान लो कि आपके पास एक सर्वर है, इमेजिन दैट एक सर्वर है, और इसका स्पेस बहुत ज़्यादा है, लेट्स से बहुत ज़्यादा है, कुछ टेरा बाइट में है, राइट, या फिर उससे भी ज़्यादा है। तो अगर इतना ज़्यादा है तो आप इंडिपेंडेंटली इन्हीं को एक ही सर्वर पे डिप्लाई कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सर्वर अगर
काफी स्ट्रांग है, तो एक ही सर्वर पर मल्टीपल एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हो। वो बात अलग है, सर्वर फेलियर से आपकी सारी एप्लीकेशन और सारी सर्विसेज फेल हो जाएंगी, वो अलग बात है, उसी बात मैं नहीं कर रहा हूँ अभी, वो कंसर्न नहीं है यहाँ पे। बट यहाँ पे ये चीज़ है कि एक सर्वर पर डिप्लॉय की जा सकती सारी एप्लीकेशन और सारी सर्विसेज यू कह, राइट ओके। और जरूरी ये भी नहीं है कि एक ही सर्वर पर करो, इनके डिफरेंट डिफरेंट खुद के भी सर्वर हो सकते हैं, राइट। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे समझना गाइस, पहले तो इनका इंडिपेंडेंट भी सर्वर हो सकता है या फिर सिंगल सर्वर पर भी डिप्लाई किया जा सकता है पहली चीज। और ये जो यहाँ पे मैंने अभी देख पा रहे होगे कि सारे जितने भी एप्लीकेशन या सर्विसेज या फीचर्स हैं वो एक ही डेटाबेस से कनेक्टेड है, ठीक है, एक ही डेटाबेस से कॉमन डेटाबेस यूज हो रहा है और सारी उसी से इंटरकनेक्टेड और कम्युनिकेट कर। और जरूरी नहीं है, इनका खुद का इंडिपेंडेंट डेटाबेस भी हो सकता है, अगर आप बना रहे हो स्मॉलेस्ट पार्ट और सर्विस और एप्लीकेशन और वेब सर्विस, तो वहाँ पे अपना इंडिपेंडेंट डेटाबेस भी यूज हो सकता है, ये भी पॉसिबल है, राइट। तो यहाँ पे पॉइंट जो नोट यहाँ पे लिखा हुआ, दे कैन बी रन ऑन सेपरेट सर्वर और सेम सर्वर मशीन ऑल्सो, राइट, सेम सर्वर मशीन ऑल्सो, या तो सेम सर्वर पे भी हो सकता है या फिर उनका सेपरेट सर्वर भी हो सकता है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो इंटायर ये डायग्राम को मैं बोलूंगा सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपके अंदर, मतलब आपके माइंड में अभी भी ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि अंकित ये ठीक है तुमने बता दिया, बट यार ये तुम गलत बता रहे हो, क्योंकि ये अभी भी मैं कह रहा हूँ कि माइक्रो सर्विसेज का आर्किटेक्चर या फिर डायग्राम है, नहीं है। क्यों नहीं है, इस क्वेश्चन को अभी मैं क्लियर करता हूँ सबसे पहले, जो कि माइक्रो सर्विसेज के ऊपर आगे की वीडियोस बनाऊंगा तब वहाँ पे और ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा, लेकिन अभी एक छोटा सा स्टेटमेंट के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, इट लुक्स लाइक माइक्रो सर्विसेज, राइट, बट अंडरस्टैंड दैट माइक्रो सर्विस इज मोर पर्टिकुलर वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। समझना इस बात को, जो पीछे वाला डायग्राम था उसमें जो फीचर्स थे, फीचर्स मतलब स्मॉलेस्ट पार्ट की जो एप्लीकेशन थी और सर्विसेज थी जो इंडिपेंडेंट थी, ठीक है, जो कि एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही थी, उनके अंदर जो फंक्शनैलिटी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी फीचर्स है, उसके अंदर मल्टीपल फीचर्स आप ऐड कर सकते हो, राइट। उसके अंदर एक सर्विस के, मतलब एक एप्लीकेशन के अंदर दो तीन सर्विस भी बना सकते हो, ठीक है, वहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, राइट, तो वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, पहली चीज। और यहाँ पे माइक्रो सर्विसेज क्या कहता है, इज मोर पर्टिकुलर वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। इसका मतलब है बहुत ही स्पेसिफिक होता है, जब भी आप सर्विस बना रहे हो तो बहुत ही स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी को एक सर्विस के अंदर डिफाइन किया जा रहा होता है, मतलब यूँ कह लो कि सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को फॉलो किया जा रहा होता है एक सर्विस को बनाते वक्त, ठीक है। तो यहाँ पे मोर पर्टिकुलर वे में चीज़ें की जा रही होती, जबकि सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में नहीं की जा रही होती, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी मैं मेंशन करना चाहूँगा, जो कि यहाँ पे लिखा नहीं है, बट सुनना, ध्यान से सुनना। माइक्रो सर्विसेज आर सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, बट नॉट ऑल द सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर आर माइक्रो सर्विसेज। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो माइक्रो सर्विसेज हैं वो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर को मोर पर्टिकुलर वे में यूज करते हुए कह सकते हो कि हर माइक्रो सर्विस एक तरह की सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर को फॉलो करती है, लेकिन हर सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर जरूरी नहीं है कि एक माइक्रो सर्विसेज हो, जैसे कि अभी प्रीवियस वाली स्लाइड में मैंने डिस्कस किया, वो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर है बट उसको आप माइक्रो सर्विस नहीं कह सकते। सो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ओके। चलिए अभी जो भी डाउट होंगे गाइस वो आगे की सीरीज में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, जब हम सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर वर्सेज माइक्रो सर्विसेज की वीडियो डिस्कस कर रहे होंगे, राइट, ओके, फाइन, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि एडवांटेजेस और बेनिफिट्स ऑफ सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर क्या है। देखो यार, लेस अनक्लियर कोड, कपलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसका मतलब क्या है कि यार यहाँ पे बहुत ही लेस होता है, मतलब जो अनक्लियर कोडिंग होती है वो थोड़ा सा कम होता है यहाँ पे, मतलब क्लीन कोडिंग ज़्यादा होती है यहाँ पे। और बिकॉज ऑफ व्हाट, क्लीन कोडिंग मतलब क्या गाइस, क्लीन कोडिंग का मतलब ये है कि जो हमारे पास यहाँ पे ये सब इंडिपेंडेंट है, राइट, हर चीज़ इंडिपेंडेंट है, तो इसी वजह से थोड़ा सा मोर स्पेसिफिक हो गया, मतलब थोड़ा सा स्पेसिफिक मतलब इंडिपेंडेंट हो गया, जिसकी वजह से कपलिंग, पहली बात तो टाइटली कपल्ड नहीं हुई, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सेपरेशन हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेपरेशन हो गया। तो यहाँ पे भाई, यहाँ पे आप करोगे कोई कोडिंग तो यहाँ पे थोड़ा क्लीन कोडिंग होगी। एक अब मोनोलिथिक में क्या होता है, एक ही एप्लीकेशन के अंदर आप खिचड़ी बना रहे होते हो, तो जिसके अंदर अलग अलग डेवलपर अलग अलग तरीके से काम कर रहा होता, अपना उसका अपना डिज़ाइन पैटर्न है नहीं है, कैसे भी कहीं भी क्लास में बस अपना मेथड लेके काम कर रहा होता, तो वहाँ पे सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल ब्रेक हो रहा होता है,
यहाँ पे उतना ज़्यादा ब्रेक नहीं हो रहा होता। और माइक्रो सर्विस में तो बिल्कुल ध्यान दिया जा रहा होता है, वहाँ पे तो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत हाई पे रखा जा रहा होता है वो डिज़ाइन पैटर्न को, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन कोडिंग मिल जाती है और टाइटली कपल्ड नहीं रहता है, राइट। तो पहले पॉइंट का ये मीनिंग था। उसके बाद यहाँ पे गाइस क्या है, इजियर टू अप्लाई चेंजेस। एब्सोल्युटली वही गाइस है कि भाई हमारे पास जैसे लेट्स से ये भाई इंडिपेंडेंट है, तो एब्सोल्युटली इसके अंदर हमें कोई चेंजेस अप्लाई करना है तो बहुत इजीली हम चेंजेस अप्लाई कर देंगे। एक इसका स्मॉल फुटप्रिंट होता है, क्योंकि अलग अलग सेपरेट बनाने का मतलब क्या है कि स्मॉलेस्ट पार्ट अलग से हैंडल करें, वहाँ पे ज़्यादा कोडिंग नहीं होगी तो लेस होगा फुटप्रिंट। फुटप्रिंट इन द सेंस द साइज ऑफ सर्विस स्मॉल होगी तो इजिली वहाँ पे चीज़ें हमें समझ में आएंगी और इजिली हम उस चेंजेस को अप्लाई कर पाएंगे बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट फीचर्स। जैसे कि ये एक इंडिपेंडेंट है, ये एक इंडिपेंडेंट है, ये एक इंडिपेंडेंट है, तो ईजी टू अप्लाई चेंजेस, राइट। तो ये सेकेंड पॉइंट का मीनिंग था। एंड थर्ड वन, ईजी टू डिप्लॉय ऐप बिकॉज ऑफ वाई इंडिपेंडेंट सर्विस एंड बिकॉज ऑफ स्मॉल फुटप्रिंट, ठीक है। अब भाई देखो यार, सिंपल सी बात है, आपके पास यहाँ पे ये एक इंडिपेंडेंट है, ये भी एक इंडिपेंडेंट है, ये भी एक इंडिपेंडेंट है, ये भी एक इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इंडिपेंडेंट सर्विसेज हैं। अब इनका स्मॉल फुटप्रिंट है, स्मॉल फुटप्रिंट मतलब साइज ऑफ एप्लीकेशन बहुत ही स्मॉलेस्ट है, तो बहुत ही ईजिली आप इनको सर्वर पर डिप्लॉय कर सकते हो, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आपको सिर्फ इस पर्टिकुलर चीज़ को डिप्लॉय करना है, ना कि क्योंकि चेंजेस अगर इसमें किया तो इसी को ही डिप्लॉय करना है, ना कि इसको डिप्लॉय करना है, ये तो पहले से चल रही है। तो इंडिपेंडेंटली आप किसी पर्टिकुलर चेंज अप्लाई करके उनको डिप्लॉय कर सकते हो सर्वर पे विदाउट अफेक्टिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। लेकिन हाँ, इसके ऊपर अभी अफेक्ट करेगा जो कि अभी डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेज में, सॉरी फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट, कहाँ पे डिप्लॉयमेंट में प्रॉब्लम भी आती है। ये एक डिप्लॉयमेंट का एडवांटेज है बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट प्रोसेस और इंडिपेंडेंट सर्विस, तो ये एक एडवांटेज है। लेकिन इसका डिप्लॉयमेंट का एक डिसएडवांटेज भी है, कहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होती है, अभी हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे इजियर टू स्केल हॉरिजेंटली, एब्सोल्युटली यार इसको स्केल करना इजी है हॉरिजेंटली बिकॉज ऑफ यू नो और बिकॉज ऑफ स्टेटफुलनेस, जो लेस स्टेटफुलनेस की वजह से इसको इजीली हम स्केल कर सकते हैं। जो मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि स्टेटफुलनेस क्या होता है, वो अभी हम यहाँ दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे। तो ये बेसिक एडवांटेजेस हैं, बेनिफिट्स हैं यू नो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के। ओके, नाउ गाइस अब हम बात करते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, ठीक है। इनके कंसर्न क्या है, देखो, लिटिल ट्रिकी टू अप्लाई चेंजेस, लिटिल ट्रिकी टू अप्लाई चेंजेस, इसका मीनिंग क्या है, देखो ब्रेकेट में लिख रखा है मैंने पैरेंथेसिस के अंदर कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर। देखो थोड़ा सा ट्रिकी है अप्लाई चेंजेस, मतलब समझना यहाँ पे। देखो यार, मान लो यहाँ पे इस सर्विस के अंदर आप कोई चेंजेस करने जा रहे हो, ठीक है, ध्यान से समझना, इस सर्विस के अंदर कोई चेंजेस करने जा रहे हो। अब ये सर्विस अगर ध्यान से देखो तो ये सर्विस किस पे डिपेंडेंट है, इस पे डिपेंडेंट है और इस पे डिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हो सकता है कोई ऐसा फीचर्स आप चेंज करने जा रहे हो जो डिपेंडेंट है इसके ऊपर और इसके ऊपर। और इसको इसीलिए ध्यान रखना होता है कि अगर आपने ये चेंजेस अप्लाई किए तो ये इसको भी अफेक्ट करेगा, इसको भी अफेक्ट करेगा, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने लिख रखा लिटिल ट्रिकी टू अप्लाई चेंजेस, इतना भी ईजी नहीं है इंडिपेंडेंट को। अगर अगर इंटरकनेक्टेड है और कम्युनिकेट कर रहे हैं तब वहाँ पे कुछ कोई ऐसी सर्विस है जो कम्युनिकेट नहीं कर रही एक दूसरे से, तो वहाँ पे तो दिक्कत है। जैसे कि यहाँ पे इनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं है तो यहाँ पे तो चल जाएगा, लेकिन इनके बीच में, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा क्योंकि अदर सर्विसेज को भी कंसीडर करना होता है, राइट। तो ये पहले पॉइंट का मतलब था। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड पॉइंट का मतलब है डिप्लॉयमेंट इज बिकम कॉम्प्लेक्स डिप्लॉय अदर एप्स। हाँ, वही चीज़ है जो पहला पॉइंट जो मैंने कवर किया उसी से कनेक्टेड है। अब देखो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट का, जैसे आपने चेंजेस अप्लाई किए, अब ये इंटरकनेक्टेड है भाई इससे और इस पे डिपेंडेंट है, इसकी वजह से क्या होगा, जो भी चेंजेस अगर कर रहे हो कोई ऐसी पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड को चेंज कर रहे हो जो डिपेंडेंट है इसके ऊपर और इसके ऊपर, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब आप इसको डिप्लॉय करोगे तो इसको भी डिप्लॉय करना पड़ेगा और इसको भी डिप्लॉय करना पड़ेगा, मतलब इसको इसको और इसको, तीनों को डिप्लॉय करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ वाई, क्योंकि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट एक कॉम्प्लेक्स स्टेज पे चला जाता है, अगर बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो बहुत सारी सर्विसेज को उस टाइम पे आपको डिप्लॉय करना पड़ेगा, और समटाइम अगर सारी कनेक्टेड है तो सारे को फिर से डिप्लॉय करना पड़ेगा, तो फिर वो अगेन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस, राइट। तो इसलिए यहाँ पे डिप्लॉयमेंट, जब तक ये सेपरेट है इंडिपेंडेंट है तब तो डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस ईजी है, राइट। तो यहाँ पे इसलिए डिसएडवांटेज में मैंने रखा हुआ है। एंड उसके बाद यहाँ पे कम्युनिकेशन इज नॉट 100% रिलायबल ओवर द नेटवर्क। 100% रिलायबल ओवर द नेटवर्क का मीनिंग क्या है,
कि यार देखो, एक सर्विस दूसरे सर्विस से कम्युनिकेट कर रही है, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, तो 100% रिलायबल ओवर द नेटवर्क नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे समझना है, इसका पॉइंट को मैं समझा देता हूँ बहुत ही डिटेलिंग। मान लो कि इसके अंदर कोई बग है, आपने कोई चेंजेस किए, कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है, और इसको आपने सर्वर पे डिप्लॉय मारा। जैसे सर्वर पे डिप्लॉय मारा, इससे ये इंटरकनेक्टेड था और ये इंटरकनेक्टेड था, जो कि एक नए फ्रेशर डेवलपर ने ध्यान नहीं दिया और उसने डिप्लॉय मार दिया इस पर्टिकुलर को। हुआ क्या, वो इसको अफेक्ट करेगा और इसको अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये भी बंद हो जाएगी चलना और ये भी बंद हो जाएगी चलना। ये तो बंद ही होने वाली, क्योंकि इसको तो डिप्लॉय किया, तो जितने भी इंटरकनेक्टेड होंगे, लेकिन ये रन कर रहा होगा बस ये, मतलब कि इंटायर सर्वर डाउन नहीं होगा, मतलब इंटायर चीज़ें डाउन नहीं होंगी, बट सम पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन और सर्विसेज की वजह से वो कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगी, राइट। तो ये इसका पॉइंट का मीनिंग था। उसके बाद यहाँ पे डेटा कंसिस्टेंसी बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट डेटा, देखो DB आई मीन, तो यार मैंने जैसे कि बताया कि इनका, जैसे कि अभी तो यहाँ पे हमने कॉमन डेटाबेस यूज़ कर रखा है, जरूरी नहीं कि कॉमन डेटाबेस हो हर सिनेरियो में, कुछ सिनेरियो में ऐसा होगा इनका सेपरेट अपना खुद का डेटाबेस होगा, राइट, तो इनका भी सेपरेट अपना खुद का डेटाबेस होगा। तो यहाँ पे भाई वही है कि सेपरेट डेटाबेस होगा, तो जब यहाँ पे कोई भी सर्विस आएगी क्लाइंट की, तो यहाँ पे इंडिपेंड मतलब कि डेटा में अगर कोई चेंजेस होंगे इंडिपेंडेंट डेटाबेस में, तो ये फिर इसको शेयर कर रहा होगा तो ठीक है, अगर नहीं शेयर कर रहा होगा तो फिर डेटा इनकंसिस्टेंट स्टेट पे चला जाएगा, राइट। इसलिए मैक्सिमम टाइम पे आपको देखने को मिलेगा कि मतलब जरूरी नहीं है, क्योंकि माइक्रो सर्विसेज में तो होता ही है एज यूजल, और मोनोलिथिक में तो सिंगल डेटाबेस यूज ही हो रहा होता है वहाँ पे, तो मैक्सिमम टाइम पे आप देखोगे, तो इसलिए इंडिपेंडेंट डेटाबेस को यूज़ किया जाता है, लेकिन उसका ध्यान भी रखना होता है कि कैसे आप चीज़ों को कंसिस्टेंट करोगे डेटाबेस को, राइट। सो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स, अगर अभी भी कुछ कंसर्न्स हैं जिसको अभी डिटेलिंग में आज वीडियोज़ में हम कवर कर रहे होंगे, तो अभी के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूँगा गाइस। आगे की वीडियोस में इसको थोड़ा सा मैं और थोड़ा ब्रीफ में जाऊंगा। तो गाइस, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो डेफिनेटली आपने लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस वीडियो में इतना ही, इफ यू लाइक इट देन गिव अस थम्स अप, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।